Download the VMC Guru app for free live classes, doubt clearance and study resources. Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सौरभ, मैं विद्या मंदिर क्लासेस में HOD फिजिक्स और डायरेक्टर एकेडमिक्स हूं। आज हम लोग, या आप कह सकते हैं कि इस वीडियो से हम लोग एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ाएंगे। यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट फिजिक्स में 11th क्लास में पहला चैप्टर होता है और स्कूलों में या हर जगह पर यही पहले पढ़ाया जाता है। सबसे सरल माने जाने वाला ये चैप्टर, इसमें से स्कूल के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जेई मेन, जेई एडवांस और नीट सभी एग्जामों में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसको आपको समझाने के लिए हम इसको 4 से 5 वीडियोस में ब्रेक कर रहे हैं और हर वीडियो में हम इसका एक एक टॉपिक लेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे और सबसे अंत में हम इसमें NCERT के सारे क्वेश्चंस जो आपकी बुक के पीछे दिए हुए हैं उसको सॉल्व भी करेंगे। तो ये सारे सेशंस आप लोग ध्यान से देखिए और ये जो समय है इसको यूटिलाइज करिए, क्योंकि ये चैप्टर आपके स्कूल के टेस्ट में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सब में आने जा रहा है। फर्स्ट सेशन आज हम इसका कर रहे हैं अभी इस वीडियो में। इसमें हम आज बात करने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ठीक है, इसी तरीके से एक वीडियो हम डायमेंशंस के ऊपर करेंगे, एक वीडियो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करेंगे और एक वीडियो हम जो है एरर एनालिसिस पे भी करेंगे, जिससे कि ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। राइट, तो सबसे पहले एक फेमस साइंटिस्ट कहते हैं, द साइंटिस्ट डज नॉट स्टडी फिजिक्स बिकॉज इट इज यूजफुल, he studies it because he delights in it and he delights in it because it is beautiful. If nature were not beautiful, it not be worth knowing, and if nature is not worth knowing, then it is not worth living. मतलब क्या है इसका कि फिजिक्स के अंदर हम नेचर को पढ़ते हैं और उसके अंदर इन्वॉल्व क्वांटिटीज को, उसके अंदर इन्वॉल्व चीजों को मेजर कर सकते हैं। राइट, तो आज हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं किसकी, फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिक्स में कहते हैं कि एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी चीज जिसको मेजर किया जा सकता हो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एनी क्वांटिटी which can be measured is known as a physical quantity. Any quantity which can be measured is known as a physical quantity. ये फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके या दो टाइप्स में डिवाइड की गई है। ठीक है, तो कौन कौन से दो तरीके हैं इसमें या दो टाइप्स हैं, तो हम आपको बताएं इसमें दो तरीके जो हैं, एक को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और एक को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो मैं क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म में QTY लिख रहा हूं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन भी होता है, आप इसको लिख सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और एक है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो पहले बात करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती है, अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लेंथ, जैसे मास, जैसे टाइम, ये सारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर आप देखिए कि जैसे स्पीड है, तो स्पीड क्या है, लेंथ अपॉन टाइम, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, किस किस पे डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है लेंथ पर और टाइम पर, तो ये डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। तो ये किसमें आएगी, डिराइव्ड में आएगी। अभी हम पहले बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। So the quantities
which are independent are known as fundamental quantities, right? Independent का मतलब आप लोग समझ गए कि उसके अंदर कोई और दूसरी चीज इन्वॉल्व नहीं हो। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ली गई हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ली गई है, ठीक है? सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और कौन कौन सी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, आइए इसकी बात करते हैं, ठीक है? तो द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देखिए कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। पहली है लेंथ, देन मास, देन टाइम, देन टेम्परेचर, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये 7 जो हैं हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। आइए इसमें नंबर डाल देते हैं, 1, 2, 3, 4, जिससे कि तो ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। अब इसको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि कभी भी आपसे पूछे जा सकती हैं कि कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास होती है, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का मतलब हो गया कि भाई ये क्वांटिटीज फंडामेंटल तो हैं, बट जो हैं ये ऐसी हैं कि इनका कोई यूनिट नहीं है, ये प्योर रेशियोज है। तो इनको हम क्या काउंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यही जो है कश्मकश थी साइंटिस्ट के बीच में। तो उन्होंने इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में डाल दिया। तो ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एक तो नंबर पे है प्लेन एंगल, जो आप लोग अपने बचपन से जिस एंगल को पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो आप प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं कि प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल को हम कैसे हमेशा डिफाइन करते हैं, आप सब लोग जानते होंगे कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो है यूनिट लेस हो गया, क्योंकि आर्क भी जिस यूनिट में नापी जाएगी, रेडियस भी उसी यूनिट में नापा जाएगा, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, ये प्योर रेशियो होगा, इसलिए इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में काउंट करते हैं। और दूसरा जो है वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसके बारे में कोई बात अभी करूंगा ही नहीं, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। ये 3D में बना हुआ एंगल होता है, ठीक है? और 3D में बना हुआ एंगल होता है, इसका फॉर्मूला सिर्फ याद रख सकते हैं। यह फॉर्मूला भी याद रखने की खास आपको कोई जरूरत नहीं है कि सॉलिड एंगल जो होता है दैट इज एरिया इंटरसेप्टेड अपॉन रेडियस स्क्वायर, ठीक है? एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से, नॉर्मली थीटा या अल्फा से करते हैं, और सॉलिड एंगल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ओमेगा से, जिसको आपने 10th क्लास में ओम पढ़ा होगा, बट इसको हम जो है कैपिटल ओमेगा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? कैपिटल ओमेगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारे, ये 2 हो गई हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो अभी तक हमने क्या बात सीखी? पहली बात सीखी हमने फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जो भी क्वांटिटी मेजर करी जा सके वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी 2 तरीके की होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। पहले हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करी, हमने कहा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज
वो क्वांटिटी होती हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। और ऐसी कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके साथ साथ दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज की। आइए अब बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। So these are the quantities which are dependent on other quantities। ये वो क्वांटिटी है जो दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे स्पीड, स्पीड क्या हो गई भाई, लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम, तो दो क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा, स्पीड अपॉन टाइम, यानी डिपेंडेंट पे भी डिपेंडेंट है ना। ऐसे ही बहुत सारे जितनी भी आप सोचेंगे, मोमेंटम, ठीक है, वॉल्यूम, डेंसिटी, वॉल्यूम देखिए लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ है ना, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये सब जो है, ऐसे लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए डेराइव्ड क्वांटिटीज की ही लिस्ट हम लोग नॉर्मली जानते हैं। फंडामेंटल की लिस्ट जो है बहुत छोटी है, 7 क्वांटिटीज प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ही होती है, जबकि डेराइव्ड क्वांटिटीज की कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो ये जो हो गई, ये हो गई हमारी डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हो गई बेटा, डेराइव्ड क्वांटिटीज हो गई जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। राइट, अब बात आती है अगली चीज की कि इनको मेजर कैसे किया जाए। ठीक है, तो मेजर करने के लिए हमें कुछ चाहिए जिसको हम कहते हैं यूनिट। अब यूनिट क्या है भाई, आप यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है, पहली बात मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट है कि आप किसी भी अननोन चीज को एक स्टैंडर्ड चीज के साथ कंपेयर करें। जैसे सपोज करिए कि आप सुबेरे ग्रोसरी की शॉप पे या वेजिटेबल शॉप पे सामान लेने जाते हैं, आपने कहा कि 1 किलो आलू दे दीजिए, तो आप क्या करेंगे, वो वेइंग पैन में एक तरफ 1 kg का वेट रखेगा, उससे वो कंपेयर कर रहा है, आपको एक लाइन दे दी, बताओ इसकी लेंथ क्या है, तो आप क्या करोगे, स्केल लोगे और उस लाइन की लेंथ नापो, क्योंकि स्केल पे ऑलरेडी वो लेंथ क्या है, कैलिब्रेटेड है। ठीक है, आपको टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो आप क्या करोगे, थर्मोमीटर में देखोगे और वो थर्मोमीटर ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है। तो एक अननोन क्वांटिटी को एक नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना ही क्या है, मेजरमेंट है। ठीक है, तो अगर मेजरमेंट लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट, मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर हमें जरूरत इसको लिखना चाहते हैं तो, ये मेजरमेंट क्या है, ये मेजरमेंट, क्योंकि चैप्टर का नाम भी है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब सिंपल मतलब की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद ए स्टैंडर्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड वैल्यू एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड आपने खुद बना लिया, ठीक है, ऐसा ऐसा करना है जो क्या हो, जो स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, कि ऐसी क्वांटिटी जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो उसी को हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट में लेके आएंगे, तो एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। नाउ इसी क्रम में हम क्या करेंगे, इसी क्रम में हम यूनिट डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यूनिट डिफाइन करते हैं, तो यूनिट क्या है, इट इज एन इंटरनेशनली, एक्चुअली कोई भी चीज जो होती है ना बेटा, वो तभी होती है जब वो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट से अप्रूव होती है। ठीक है, हो सकता है कोई चीज मैं सोचता हूं, आप सोचते हो, कोई और सोचता हो, वो ठीक हो, बट वो जब तक थ्योरी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट में नहीं जाती और वहां से अप्रूव नहीं होती, जब तक उसको हम लोग साइंस में वैलिड नहीं मानते हैं। ठीक है, सो इट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यू विद विच
we can compare the unknown things. और यूनिट कितना जरूरी है, जैसे मैं कहूं कि आप दिल्ली से 500 चलिए और आप जयपुर पहुंच जाएंगे, तो 500 क्या, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, जब तक यूनिट नहीं लगाओगे ना, जब तक चीज कंप्लीट नहीं होती है। तो जैसे कि क्वांटिटीज दो तरीके की हैं, सिमिलरली यूनिट्स भी जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, ठीक है। तो यूनिट्स भी जो हैं हमारी वो दो तरीके की, यूनिट्स भी जो हैं वो दो तरीके की हैं। कौन कौन से तरीके होंगे, एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड, राइट। एक हो गई हमारी फंडामेंटल यूनिट, जो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट वो फंडामेंटल यूनिट, और जो डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट वो डिराइव्ड यूनिट। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट हो गई, जो डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट है वो डिराइव्ड यूनिट हो गई। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं कि फंडामेंटल यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। सिमिलरली डिराइव्ड यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट की क्वांटिटी का यूनिट फंडामेंटल यूनिट, और डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। अब हम लोग कुछ बात करते हैं कि हमारे पास कितने तरीके के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। तो अलग अलग देशों में अब इनिशियली बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज किए गए। आप लोगों की जानकारी के लिए बताएं कि सबसे पहले यूनिट जो था 1120 AD में इंग्लैंड के किंग ने लेंथ को मेजर करने के लिए इम्पोज किया था, और तब से ही यूनिट का प्रचलन साइंस में हुआ, या साइंस ने एक्सेप्ट किया कि यूनिट्स होने चाहिए, दैट इज फ्रॉम 1120 AD। सो इट्स अराउंड यू कैन से 900 इयर्स बैक वी वेंट केम इनटू यूनिट्स, राइट। तो बड़े सारे यूनिट सिस्टम दुनिया में चलते हैं, जैसे पहले होता था एक MKS सिस्टम, ठीक है। MKS सिस्टम क्या था, MKS का मतलब था मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। फिर एक हुआ CGS सिस्टम, अगर आप पुरानी बुक्स देखोगे ना तो अभी भी ये सब मिलता है आपको, पुराने क्वेश्चंस ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। फिर एक और यूनिट फेमस है जो FPS सिस्टम कहते हैं, जो खासतौर से यूरोप में चलता था, फुट पाउंड सेकंड, राइट। बट इन सबको खत्म करके जो अब यूनिट यूज होती है, या जो अब सिस्टम यूज होता है, वो होता है SI सिस्टम। SI सिस्टम इज सिस्टम इंटरनेशनल, और हम सब जो बात करते हैं वो SI यूनिट के अंदर बात करते हैं, ठीक है। और जो जो हम यूनिट्स लेते हैं वो भी सारी SI यूनिट्स में यूनिट्स को लेते हैं, कि लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड, करंट की यूनिट एम्पियर, है ना, जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है मोल, टेम्परेचर केल्विन, राइट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ये सारे के सारे जो हैं वो SI सिस्टम है। स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स की यूनिट न्यूटन, ये सब जो है ये SI सिस्टम है, राइट। हमने कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वो डेफिनेशन आपको लिख के दी है कि मीटर की डेफिनेशन क्या है। तो मीटर की डेफिनेशन ये है, ठीक है, एमिटेड बाय क्रिप्टॉन है, बाय क्रिप्टॉन, यहाँ पे KR लिख दीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ KR क्रिप्टॉन, 2P10 to 5D5, ये 2P10 कौन सा वाला है, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं 2P10 to 5D, ये केमिस्ट्री से आप लोग जानते हैं इसको, ठीक है। प्रोग्राम की ऐसी डेफिनेशन हमारे पास है, सिमिलरली सेकंड की डेफिनेशन हमारे पास है, एम्पियर की डेफिनेशन आपके सामने है। इस सब को अगर आपके स्कूल में पूछा जाता है तो आप लिख लीजिए, आप याद कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में नहीं पूछा जाता है तो इसकी एज सच आपको कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, ठीक है। ये केल्विन की यूनिट है, जो कैंडेला की यूनिट है, राइट, और ये
तो ये सारे के सारे जो हैं आप अपने वीडियो को पॉज करके इनके डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। जो विद्या मंदिर के स्टूडेंट्स हैं उनको ये नोट्स ऑटोमेटिकली आपको जो पीडीएफ फॉर्म में जैसे मिल रहे हैं वैसे ये नोट्स मिल जाएंगे। जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके इस को देख सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि जो हमने फंडामेंटल यूनिट्स की बात की वो कौन कौन से हैं। लेंथ का मीटर है, जैसे मैंने आपको बताया, मीटर की सिंबल जो है एम है, मास का किलोग्राम है, सिंबल केजी है, टाइम का सेकंड है, सिंबल एस है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, सिंबल ए है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है, सिंबल सीडी है, टेम्परेचर का केल्विन है, सिंबल के है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है और सिंबल एमओएम। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे डिराइव्ड क्वांटिटीज के, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज के। और डिराइव्ड के आपको भी बता देते हैं यहीं पे, जैसे यहाँ पे बाई चांस नहीं लिखे हुए हैं तो डिराइव्ड के भी यूनिट्स अगर हम लिख लें साथ ही साथ। डिराइव्ड के लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी सप्लीमेंट्री के हम लिख लेते हैं, क्योंकि डिराइव्ड के तो हम अगर बनाने जाएंगे लिस्ट तो पता नहीं कितने महीने और साल लगेंगे। सप्लीमेंट्री के लिख देते हैं। एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन। ठीक है, एंगल का होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन। रेडियन को आप आरएडी लिख सकते हैं और स्टेरेडियन को एसटी आरएडी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद कर लें कि क्या क्या इसके यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक टेबल आपको दी है। ये टेबल किस लिए है? ये टेबल इसलिए है कि अब जब आप साइंस पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बड़े सारे एक्सप्रेशंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे 10 की पावर 12 को क्या कहते हैं, 10 की पावर माइनस 15 को क्या कहते हैं, 10 की पावर माइनस 6 को क्या कहते हैं, 10 की पावर माइनस 9 को क्या कहते हैं। तो जैसे 10 की पावर माइनस 3 को मिली कहते हैं, आप जानते हो, फिर माइक्रो कहते हैं, नैनो कहते हैं, पीको कहते हैं, फेंटो कहते हैं, ऑक्टो कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज करनी है, इसलिए ये टेबल आपके सामने आज यहाँ पर रखी गई। ठीक है, तो इस टेबल को आप लोग नोट कर सकते हैं और साथ ही साथ ये। ठीक है, अब बात आती है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करके, एक बात हमें करनी थी जो इसके लिए लास्ट जो हमारे लिए चीज होगी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देखिए, एक बात आप सब लोग बड़े ध्यान से समझ सकते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास एक ये लाइन है। ठीक है, इस लाइन को मैं कह सकता हूं बहुत सारे तरीकों से कह सकता हूं। हो सकता है मैं इसको कहूं कि ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है, कोई इसको कह दे ये 20 मिलीमीटर की लाइन है, कोई कह दे ये 0.02 मीटर की लाइन है, या इसको और भी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हो, शायद इंचेस में रिप्रेजेंट कर सकते हो, फुट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। बट जो ये एबी लेंथ है ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इसका इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है अलग अलग तरीके से, कि आप मीटर में एक्सप्रेस कर लीजिए, सेंटीमीटर में कर लीजिए, मिलीमीटर में कर लीजिए, नैनोमीटर में कर लीजिए, माइक्रोमीटर में कर लीजिए, डेकामीटर में कर लीजिए, डेसीमीटर में कर लीजिए। बट जो ये लेंथ एबी है वो इतनी बड़ी ही रहेगी। और इसी के ऊपर जो प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट बनाया गया है वो ये मान के बनाया गया है कि द फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसलिए जो प्रिंसिपल है वो कहता है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है आज की क्लास में, कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अब n1 क्या है, n2 क्या है, u1 क्या है, u2 क्या है? n1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, u1 is unit in
first system. 10 to this numerical value in second system. U2 term, well, मतलब है यूनिट इन सेकेंड सिस्टम राइट. सो एन वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फर्स्ट सिस्टम, यू वन इज द यूनिट इन दैट सिस्टम, एन टू इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन अदर सिस्टम जिस सिस्टम में आप उसको ले जाना चाहते हैं, और यू टू इज इन द सेकेंड सिस्टम. इसी बात को इलस्ट्रेट करते हैं और हम जो है कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं. हालांकि इस पे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट स्टिल अगर आपके यहाँ किसी भी जगह पर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोगों को हर तरीके के क्वेश्चन करने आने चाहिए. यही विद्या मंदिर क्लासेस का जो है वो मानना होता है कि उससे जो भी स्टूडेंट पढ़ता है वो हर प्रकार का क्वेश्चन कर ले, और हम हर टॉपिक में माइन्यूट से माइन्यूट चीज इसीलिए पढ़ाते हैं जिससे कि कोई भी एग्जाम जो आप देने जा रहे हो उसके अंदर आपकी 100% से ज्यादा प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए. आपको हर थ्योरी का पार्ट पता होना चाहिए, हर न्यूमेरिकल का पार्ट पता होना चाहिए. इसलिए हर चैप्टर के अंदर छोटी से छोटी चीज भी हम आपके सामने डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताते हैं और पढ़ाते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज इन न्यूटन विच इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. एवरीबॉडी नोज इन सीजीएस सिस्टम फोर्स इज मेजर्ड इन डायंस, हाउ मेनी डायंस इज इक्वल टू फोर्स. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कह रहा है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डायंस, ये कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो जो हमारा प्रिंसिपल है जिससे हमें काम करना है, जो हमने आपको अभी बताया, वो प्रिंसिपल क्या है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2. दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच वी विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. राइट, अब हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि N1 की वैल्यू जो है वो 1 है, U1 जो है वो न्यूटन है जिसको हमें लिख सकता हूं किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर. ठीक है, N2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, U2 की वैल्यू जो है वो है डाइन सीजीएस यूनिट है, यानी किलोग्राम की जगह आ जाएगा ग्राम, मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर की जगह आ जाएगा सेकंड स्क्वायर. तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो N1 इंटू U1, तो 1 इंटू kg इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 इंटू ग्राम्स इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 into kg को आप क्या लिख सकते हो, 1000 grams, तो आपने लिख दिया 1000 grams. मीटर को आप लिख सकते हो 100 centimeter, तो आपने लिख दिया 100 centimeter. ठीक है, सेकेंड स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी सेकेंड स्क्वायर है, इज इक्वल टू N2 into gram इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट, तो 1000 into 100 कितना हो गया, 10 की पावर 5. राइट, अच्छा अब आप देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, फिर देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, और फिर देखो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया. तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा N2 इज इक्वल टू 1000 into 100, यानी 10 की पावर 5. यानी यहां से प्रूव हो गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन्स. यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है, और इसको आप लोग खूब अच्छे से याद भी कर सकते हैं, इसको आप लोग खूब अच्छे से जो है याद भी कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कन्वर्जन का, जिससे कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आए. आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि यंग मॉडुलस नाम की चीज क्या होती है,
आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है यंग मॉडुलस ऑफ ए मेटल इज 21 × 10⁻¹⁰ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्सप्रेस इट इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो आपके लिए हम डेटा क्या है भाई, डेटा हो गया एन वन की वैल्यू हो गई 21 × 10⁻¹⁰, यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन खुद क्या है, न्यूटन खुद है केजी, इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, और पर मीटर स्क्वायर है ना, तो इंटू मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली यूनिट क्या हो गई, यूनिट हो गई केजी, केजी अपॉन मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एन टू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और यू टू जो है, यू टू खुद है हमारा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो डाइन क्या हो गया, डाइन हमारा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में इसमें कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा ग्राम अपॉन सेंटीमीटर इनटू सेकंड स्क्वायर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी ऑफ यूनिट्स लगाएंगे कि एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, ठीक है, एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, राइट। तो एन वन की वैल्यू डाल दी जाए 21 × 10⁻¹⁰ इंटू यू वन इज के जी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एन टू इंटू ग्राम अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 21 × 10⁻¹⁰ इंटू केजी की जगह मैं लिख रहा हूं 1000 ग्राम्स, और मीटर की जगह लिख रहा हूं मैं 100 सेंटीमीटर इंटू सेकंड स्क्वायर एज इट इज, तो इज इक्वल टू एन टू इंटू ग्राम अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें कि ग्राम से ग्राम कैंसिल होता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होता है, और सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर। तो अब यहां पे 1000 upon 100 यानी 10 बचा, यानी n2 की वैल्यू हो गई 21 × 10⁻¹ⁱ तो n2 की वैल्यू कितनी हो गई 21 × 10⁻¹ⁱ, यानी ये आंसर हो गया हमारा कि जो जो ये हो गया 21 × 10⁻¹ⁱ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कन्वर्जन ऑफ यूनिट किया जाता है, आप कभी भी कन्वर्जन ऑफ यूनिट कर सकते हैं, बहुत ही मेरे हिसाब से सिंपल है, जो मैंने आपको तरीका बताया इसी तरीके के साथ आपको काम करना है और इसको सॉल्व कर लेना है, राइट। एक क्वेश्चन और है, इसको मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा होमवर्क के फॉर्म में करें, ठीक है, तो क्योंकि टीचर का थोड़ा काम होता है होमवर्क देना बच्चे को। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एंगल की डेफिनेशन पे है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, डेटा लिख दे रहा हूँ, फिर आप कर लेना, ठीक है। द सन एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 1920 seconds, जगह दो ऐसे लगे हुए हैं अपोस्ट्रोफी, तो इसका मतलब होता है सेकंड्स। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 × 10⁻¹ⁱ मीटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। तो आप ये जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आप इससे इस फॉर्मूले को यूज करके जो है इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्या फाइंड करना है, आपको आर्क लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। एंगल आपको दिया गया है 1920 seconds एंगल है, और आपको रेडियस दे रखा है जो आर आपको लगाना है 1.496 × 10⁻¹ⁱ मीटर, राइट। इसी के साथ ये आज हमारा पहला जो सेशन था फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स का, ये खत्म होता है। हम आगे सेक्शंस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी लाइव विद VMC।
For more such videos, subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon.